बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी हाँ, आज हमने अपने ब्लॉग का स्टार्ट सुबह सहरी से किया है, और सहरी में मैं अभी नीचे जाऊँगी और नीचे जाके अम्मा अब्बा से पूछूँगी कि अम्मा रोज़ा रख रही हैं या नहीं रख रही हैं। उसके बाद मैं फिर चाय चढ़ाती हूँ अपने देख के ना, क्योंकि अम्मा कल गई थी ना वहाँ ईदी लेकर, तो उनकी रात तो तबीयत ठीक नहीं थी। अभी देखते हैं क्या होता है, बहरहाल तो फिर जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त मैं जा रही हूँ नीचे, और फिर सबसे पहले मैं पूछ आती हूँ चाय का कि सहरी करेंगी या नहीं, और चाय पियेंगी या फिर पराठा वगैरह बनाऊँ, तो फिर आकर सहरी बनाऊँगी। तो इस वक्त मैं नीचे हूँ। नीचे मैं आई ना तो मेरी दौरानी जो कि लड़के वालों ने हमें सालन दिया था, तो कहने लगी नहीं आप नीचे सहरी कर लो, पराठा भी बना हुआ है और पाए का सालन भी। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे नसीब में सहरी नीचे होगी। तो जी हाँ, यहाँ नीचे ही हूँ मैं, और आज सहरी मेरी नीचे ही हो गई। तो दो दिन से ना इसी तरह का हो रहा है कि मैंने इफ्तार भी कल दौरानी की किया था, आज सहरी में भी मैंने पराठा नीचे वाली दौरानी के खाया और सहरी की। तो कहने लगी उन्होंने सालन दिया था ना, पराठा बना हुआ है, आप यहीं खा लो। तो फिर उसके बाद है ना मैं ऊपर जा रही हूँ दोबारा, क्योंकि चाय बनाऊंगी और अम्मा अब्बा चाय की कह रहे हैं, अम्मा रोज़ा नहीं रख रही हैं। तो फिर मैं ना चाय बना के, क्योंकि मैंने पराठा तो खा ही लिया था पाए के सालन से, और चाय बना के मैं भी पी लूँगी। और अभी तो सहरी में टाइम है, अभी तो टाइम है, तो यहाँ पर मैं दोबारा आ गई ऊपर और अभी चाय बनाने लग जाऊँगी। तो यहाँ पर ना सब अपने अपने रूम में हैं जो भी रोज़ा रखेगा। तो जी हाँ, अम्मा अब्बा को तो मैं चाय दे आई थी, लेकिन यहाँ पर अब मैं पी रही हूँ क्योंकि अभी टाइम है सहरी में थोड़ा सा, तो यहाँ पर थोड़ी सी चाय मैं पी रही हूँ। तो सहरी मैंने नीचे दौरानी की थोड़ी सी कर ली थी। तो इस वक्त है ना ये देखिए, कोई ना कोई कपड़े धोता ही रहता है, तो कल दूसरी दौरानी ने कपड़े धोए थे, कभी कोई धोता है कभी कोई। तो फिर उसके बाद है ना यहाँ पर है ना दिन हुआ, और अम्मा ने फरमाइश की कि ना मेरी आँख में बहुत तकलीफ़ है ना, तो मैं लौकी खाऊंगी। तो इस वक्त बन रही है लौकी, जो कि मैं काफ़ी बार बना चुकी हूँ और अम्मा को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर लौकी कट कर लूँगी और बना लूँगी फिर जो भी होगा। तो ये ना ये देखिए, यहाँ लौकी बन रही है, सालन बना हुआ होगा ना फ्रिज में रखा होगा, तो फिर ये कि आसानी हो जाती है कि जब दिल चाहे निकाल के ना खा ले बंदा। तो यहाँ पर ना टमाटर में इसी टाइप के लेती हूँ, लौकी में बिल्कुल रेड रेड टमाटर नहीं इसमें ऐड होते। तो यहाँ पर ना लौकी कट कर रही हूँ, और दोपहर का टाइम है, सालन बन जाता थोड़ी सी आसानी हो जाती है फिर। तो यहाँ पर ना लौकी को हम बनाएंगे, अभी आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से इसको बनाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनती है रोटी में घी लगा के, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। फिर इसको हम ये के सहार में खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है पराठे के साथ। तो जी हाँ, यहाँ पर लौकी वगैरह सब हमने कट कर ली, और ये टमाटर इससे बारीक बारीक कट किए हैं इसके, और ये प्याज कटी हुई भी। तो जी हाँ, यहाँ स्लो फ्लेम पे हमने लौकी रखी है, क्योंकि दोपहर में ना मैं सालन बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर सहरी में भी काम आ जाता है, और फिर ना अम्मा को रोज़ा भी नहीं था आज, तो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं। रात है ना लेंस जो हम ईदी लेकर गए थे ना, उनके लेंस में ना आँख में बहुत तकलीफ़ हो रही, पता नहीं कुछ कचरा चला गया है क्या है, क्योंकि ना रात से उनकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो अभी उनको डॉक्टर्स के लेकर गए थे,
तो उन्होंने कुछ ना ड्राफ्ट वगैरह डालने के लिए दी ना, तो फिर उनका रोज़ा नहीं है आज अम्मा का। तो बहरहाल ना ये होता है कि सालन टाइम से बना के रख दो ना, फिर तो इफ्तार में परेशानी नहीं होती है। और सालन डिश में करके रख देती हूँ, फिर जिसको भी खाना होता थोड़ा सा लिया और निकाल के खा लिया। तो आपको मैंने दिखाया था सालन में एक दिन बनाती हूँ तो दो तीन टाइम है ना हो जाता है। तो ये होता है कि इफ्तारी खाते हैं ना तो फिर सालन का दिल नहीं करता इतना ज़्यादा। बस लाइट सा ये कि सालन थोड़ा सा होना चाहिए, बाकी ये कि इफ्तारी में इतना पेट भर जाता है। तो जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और इस वक्त चल रहे हैं किचन में और हम सालन अपना चेक कर लेते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। तो जी चलिए हम किचन में आ गए और आपको बताते हैं कि हम लोग की कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे ज़ीरा मैंने चटकाया और उसके बाद ना प्याज इतनी ज़्यादा ब्राउन नहीं होती है, थोड़ी सी ऐसी रहती है सॉफ्ट सॉफ्ट सही ना। उसके बाद हम उसमें लौकी काफ़ी देर तक गला लेते हैं और फिर जब अधगली लौकी हो जाती है ना, फिर उसके बाद हम टमाटर इसमें नमक और हरी मिर्चें इसमें चार पांच इस तरह से ऐड कर देते हैं। तो ये जो है ना बड़ी फिर टेस्टी बनती है। ऐसे आप लौकी बनाएंगे ना तो लौकी जो नहीं खाने वाले हैं वो भी इंशाल्लाह लौकी की फरमाइश करें। तो उसके बाद है ना मैं आज अम्मी के आ गई थी रोज़े के बाद, तो भाई है ना जा रहे थे लेकिन भाई से मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। जो बड़े भाई आए हुए हैं ना तो वो आज गए हैं और मैं नहीं मिल पाई। मैं आज बहुत सुबह से यही था कि मैं भाई से मिलूं, लेकिन बहरहाल मैं जैसी पहुंची ना अम्मी के घर तो भाई जा चुके थे। तो मुझे तब अफसोस हुआ, कहने लगी अभी छोड़कर आएँ। तो मैं रोज़े के फ़ौरन बाद जल्दी से भागी क्योंकि आज मेरा दिल बेचैन हो रहा था कि भाई जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, तो मैं आई ना तो भाई ट्रेन में थे और वीडियो कॉल आ रही थी, तो मैंने कहा मिल नहीं पाए, चलो मैंने देख लिया है। तो भाई माशाल्लाह 15 दिन रहकर गए, 15-16 दिन आए हुए थे छुट्टी पे अपनी। तो यहाँ पर ना एहसन मुझे देख देख के ना इतने ज़्यादा इतरा रहे हैं क्योंकि मरियम फातिमा मैं हम तीनों ही गए थे अम्मी के घर रोज़े के फ़ौरन बाद। तो मैं यही कह रही थी भाई मिल जाते, तो भाभी ने चाय बनाई। मैंने कहा आधा आधा कप बिल्कुल दिएगा क्योंकि ना रोज़े के बाद तो फिर चाय मज़ेदार लगती है। तो फिर दिखाने भाभी लग गई शॉपिंग छोटे वाले बेटे की एहसन की। तो कहने लगी एहसन के 3 सूट आए, ये देखिए तीनों दिन के ना बहुत ही माशाल्लाह प्यारी शॉपिंग हुई। तो मैं जब भी जाती हूँ भाभी किसी ना किसी बच्चों की शॉपिंग दिखाती है, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं ना, नहीं सॉरी 5 बच्चे हैं ना, 3 2 बेटियां हैं और 3 बेटे। तो अभी सबसे छोटे एहसन जो भी मैंने आपको दिखाया उनके ये बहुत ही प्यारे से माशाल्लाह कपड़ा है। और ये भाभी दिखाई रही है, कहने लगी इतनी महंगाई हो रही है कपड़े। और ये भाभी के स्लीपर्स जो कि मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो कहने लगी अभी भी काफ़ी चीज़ें रह गई हैं, इतना माशाल्लाह दिला के गए भाभी सब बच्चों के कपड़े। और अब तो गए तो जाहिर सी बात है अब तो बकरीद पर या ईद उल फितर पे तो नहीं आ सकते, नहीं लग रहा मुझे। बहरहाल देखेंगे जब आएंगे। तो अभी से बिल्कुल खामोशी सी हो गई थी और ना मैं अम्मी गई, मेरा दिल नहीं लग रहा था बिल्कुल भी और मैं नहीं मिल पाई। बहुत दिल चाह रहा था मैं भाई से मिलूं, नहीं मिल पाई क्योंकि रोज़े के बाद है ना बच्चे उन भाई छोटे वाले छोड़ कर कहने लगे अभी आकर बैठे ही हैं। मैं चलो मेरी मुलाकात नहीं हुई, अल्लाह मालिक जो भी था। बहरहाल मेरी आज ना सुबह से तड़प थी मैं जाऊँ, तो बस इस वक्त मैं ना नीचे उतरी है जाने के लिए। तो छोटी भाभी गई हुई थी शॉपिंग करने, वो भी कहीं गई हुई थी 8 नंबर वगैरह, तो उनसे मुलाकात मेरी नहीं हो पाई वरना मैं दिखाती। तो आज कल लोग यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो तक जाता।